हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप काइनमास्टर में फ़ोटो से वीडियो को बना सकते हो। दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले काइनमास्टर को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। तो ओपन करते हैं काइनमास्टर एप्लीकेशन को। दोस्तों, जैसे आप काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको एक रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी वीडियो को बनाना चाहते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे 9:16 का ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों, जैसे आप क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, ये आपको अपनी गैलरी में ओपन कर देगा। अब वहाँ से आपको अपनी कुछ फ़ोटोज़ को सेलेक्ट कर लेना है जिनके ऊपर आप अपनी फ़ोटोज़ से वीडियो को बनाना चाहते हो। तो यहाँ से हम कुछ फ़ोटोज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने कुछ लगभग 10 या 9 फ़ोटो सेलेक्ट करी होंगी। अब यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे आपने अपनी फ़ोटोज़ को सेलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज़ को देखना है कि आपकी फ़ोटो आपके फ्रेम में एकदम एडजस्ट हो रही है या नहीं। तो यहाँ से हमारी सभी फ़ोटो लगभग आप देख सकते हैं, ये हमारी जो फ़ोटो है वो लगभग एडजस्ट नहीं है। तो अब आपको करना क्या है, इस फ़ोटो पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पैन एंड जूम का, तो आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन इस फ़ोटो को जूम करना है अपने हिसाब से, तो यहाँ से हम इतना रहने देते हैं। देन इक्वल के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। इसी तरीके से आपको अपनी सभी फ़ोटोज़ को एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ से हम अपनी सभी फ़ोटोज़ को एडजस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, लगभग मैंने यहाँ पे अपनी सभी फ़ोटोज़ को एडजस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी इसमें म्यूज़िक को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपको म्यूज़िक को ऐड करने के लिए ऑडियो पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको अपने सॉन्ग्स के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एक ऑडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हम अपने एक सॉन्ग को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने एक ऑडियो को सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, ये ऑडियो आपके अपने आप ही ऐड हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे आपने सॉन्ग भी ऐड कर लिया है अपनी फ़ोटोज़ के ऊपर। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको अपनी फ़ोटोज़ में इफ़ेक्ट को ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको दो फोटो के बीच में एक ऑप्शन मिल जाता है इफ़ेक्ट का। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट और बहुत सारे ट्रांजिशन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको जो भी ट्रांजिशन पसंद आता है आप यहाँ पे लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैंने इस ट्रांजिशन को ऐड किया है। अब यहाँ पे हम इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी फ़ोटो में जो कितना अच्छा ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। आप इसकी पावर को भी इंक्रीज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ से अभी हम इसको 1.5 ही रहने देते हैं। देन यहाँ पे डन कर देते हैं। इसी तरीके से आप अपनी सभी फ़ोटोज़ में डिफरेंट ट्रांजिशन को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम अपनी सभी फ़ोटोज़ में ट्रांजिशन को ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है मैंने लगभग अपनी सभी फ़ोटोज़ में ट्रांजिशन को ऐड कर दिया है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं एक बार आपको प्ले करके दिखा देती हूँ कि हमारी फ़ोटोज़ में कैसा ट्रांजिशन ऐड हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अमेजिंग लग रहा है हमारी दोनों फ़ोटोज़ के बीच में ट्रांजिशन। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपनी फ़ोटो की ड्यूरेशन को भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो। कैसे इंक्रीज़ डिक्रीज़ करोगे, सबसे पहले हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम एक फ़ोटोज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं। आप इसके अकॉर्डिंग अपनी जो फ़ोटो की लेंथ है उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे लगभग हमारी सभी फ़ोटोज़ ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा इस अपनी फ़ोटोज़ की जो ड्यूरेशन है उनको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारी जो वीडियो है वो लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। अब दोस्तों, आप चाहें तो अपनी वीडियो में या अगर आप अपनी वॉइस देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको रिकॉर्ड का भी एक ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से आप अपनी वॉइस को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यहाँ से अभी हम इसको डोंट अलाउ का परमिशन दे देते हैं। अब यहाँ पे आप लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक इफ़ेक्ट देखने का ऑप्शन मिलता है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक इफ़ेक्ट दिख रहा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप जॉब्स के ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट देखने को मिल जाएंगे। आपको जो भी इफ़ेक्ट पसंद आता है वो यहाँ पर आप लगा सकते हो। तो यहाँ से लाइक हमने इस इफ़ेक्ट को सेलेक्ट करा है। देन यहाँ हम इसको डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, अब दोस्तों ये हमारा जो इफ़ेक्ट है वो डाउनलोड हो चुका है। अब हम बैक आते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जो इफ़ेक्ट डाउनलोड करा था वो यहाँ पे शो होने लगा है। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारी फ़ोटो है उस पर लग जाएगा। तो एक बार प्ले करके देखते हैं कि हमारा जो इफ़ेक्ट है वो लग गया है कि नहीं, आप देख सकते हो। लेकिन ये इफ़ेक्ट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये सिंपल है, मतलब आप इतने तरीके से भी बिना इफ़ेक्ट के भी अपनी फ़ोटो से वीडियो को काफ़ी इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बना सकते हो। बस आपको ट्रांजिशन लगानी है अपनी फ़ोटोज़ में, आपकी जो ट्रांजिशन है वो बहुत अच्छी लगेगी अपनी फ़ोटो से वीडियो को बनाने के लिए। दोस्तों आप देख सकते हो हमारी जो वीडियो है वो हमारी गैलरी में सेव हो चुकी है, देखने में कितनी ऑसम लग रही है हमारी वीडियो। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी अपनी फ़ोटो से वीडियो को बना सकते हो, वो भी काइन मास्टर की हेल्प से। आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।